अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दिस इज़ मोहम्मद यूनुस कैसरानी एंड यू आर वॉचिंग इल्मी प्रीचर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम अल्कोहल एंड फिनोल की प्रैक्टिस आप डिस्कस करेंगे, किप्स के बुक से करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं चीज़ें ज़रा आपको क्लियर कर दूँ, साथ साथ हम इसको जो है किप्स की बुक से करेंगे। मैंने इसलिए जो है किप्स का जो यानी ये लॉगो है ये रखा है ताकि बच्चों को ईजिली क्लियर हो सके, ठीक है। एंड इसमें जो है हम अल्कोहल फिनोल एम सी क्यूज़ करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और उसके साथ साथ आपको यकीन दिलाता हूँ आप एम सी क्यूज़ एक करेंगे आपको उससे 3 से 4 पॉइंट्स मिलेंगे जिनसे एम सी क्यूज़ फर्दर बन सकते हैं। तो यानी आप ये कह सकते हैं एक एम सी क्यूज़ करने के साथ साथ आप 3 से 4 एम सी क्यूज़ भी कवर कर जाते हैं, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो ये कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी वीडियोज़ इस तरह मिलती रहें। हाइड्रोकार्बन का अल्काइल हैलाइड का मैंने अपलोड कर दिया ऑलरेडी, अब ये अल्कोहल एंड फिनोल का अपलोड होगा जैसे मैं कम्प्लीट कर लूँगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने पीडीएफ की तरफ एंड देन वहाँ पे जाके करते हैं प्रिपेयर। हमारे पास ये जो है पीडीएफ की फॉर्मेट में है अल्काइल लाइड, आप देख सकते हैं किप्स की जो न्यू प्रैक्टिस बुक्स है उससे ही मैंने तस्वीरें ली हुई हैं और सेम इसको कवर कर रहे हैं, ठीक है। पहला एमसीक्यू देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं गला थोड़ा साफ कर लूँ, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर अल्कोहल डी नेचुरिंग। सो अल्कोहल डी नेचुरिंग यानी अल्कोहल को डी नेचर करने के लिए जो है आप सारे ये यूज कर सकते हैं, ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। अगर आपको इसकी वो चाहिए तो हम कह सकते हैं कि डी नेचुरल अल्कोहल इज अ पॉइजनस टू यूजर, मेथनोल, एसीटोन एंड पैराडीन ऑल कैन बी एडेड टू मेक इट पॉइजनस, यानी इसको पॉइजनस बनाने के लिए हम अल्कोहल को ये यूज़ कर सकते हैं। अब सोल्यूट अल्कोहल, जो असल अल्कोहल होता है उसमें क्या होता है, उसमें आपके पास 100% एथेनॉल होता है, ठीक है। इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, 100% एथेनॉल होता है, ये आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है द कार्बन टू विच फंक्शनल ग्रुप इन अल्कोहल इज अटैच, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का अटैच हो जाए किसी का भी हो हम उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अल्फा कार्बन, ठीक है। बीटा जो उसके अल्फा के साथ अटैच हो, अल्कोहल विच हाइड्रोक्सिल इज अटैच टू कार्बन विच इज फर्दर अटैच टू टू अल्काइल ग्रुप दैट वुड बी द सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा। नेक्स्ट है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल एंड आइसोपेंटाइल अल्कोहल्स आर, आइसोब्यूटाइल और आइसोपेंटाइल ये आपके पास कौन से है, प्राइमरी टर्शियरी अल्काइल से कौन से हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है। अब इसको जो है हम जरा इसका स्ट्रक्चर जो अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर जो हमारे पास जो ये प्राइमरी कार्बन के साथ दोनों अटैच है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि ये दोनों प्राइमरी अल्काइल लाइड है। अब ये मैंने फेसबुक ग्रुप पे लगाया तो वहाँ पे एक बच्चा मेरे इस पे ऑब्जेक्शन उठा रहा था, तो मैं उसको कहूँगा कि वो ये वीडियो देख रहा है तो कहूँगा कि आप इसके स्ट्रक्चर ड्रा करके देखें, देन आप इसको अल्कोहल का लोकेट करें, वो अल्कोहल जो है प्राइमरी अल्कोहल बन रहा होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सो ये हमारा होगा उसका आइडेंटिफाई टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो हमारे पास जो टर्शियरी अल्कोहल बनेगा वो आपके पास 2 मिथाइल 2 ब्यूटानोल, यानी आप ये कह सकते हैं कि बी ऑप्शन वुड बी द राइट वन, यानी जिसके साथ 3 कार्बन लगे हों, यानी जो अल्कोहल के साथ लगा हुआ उसके साथ आगे डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच हो उस कार्बन के साथ। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल विद कंसेंट्रेटेड H2SO4 एट 180 सेंटीग्रेड, 180 पे अल्कीन्स प्रोड्यूस करेगा, 140 पे ईथर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये एक मेन डिफरेंस है। हम कह सकते हैं कि एट हाई टेम्परेचर बीटा एलिमिनेशन इज प्रमोटेड एंड वुड बी कन्वर्टेड इनटू अल्कीन्स, ठीक है। अमंग अल्कीन्स विच वन प्रोड्यूस टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल ऑन एसिड डिहाइड्रेशन, एसिड हाइड्रेशन पे कौन सा जो है आपके पास प्रोड्यूस करेगा, दैट वुड बी द CH3 ट्वाइस इनटू CCH2। अब इसके रीजन क्या है वो देख लेते हैं। रीजन ये है कि अगर हम रिएक्शन करें तो H2 कंसेंट्रेटेड H2SO4 की सोल्यूशन में और वाटर हाइड्रेशन क्या है ना, एसिडिक हाइड्रेशन, यानी एसिड की प्रेजेंस में वाटर प्रेजेंट हो तो और एसिड की प्रेजेंस में तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा टर्शियरी अल्कोहल्स में, ठीक है। ड्यूरिंग हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स टू फॉर्म अल्कोहल्स, अल्कीन्स आर फर्स्ट डिजॉल्व्ड इन, यानी पहले किसमें डिजॉल्व किए जाते हैं, हाइड्रेशन हो रही है तो हाइड्रेशन है तो एसिडिक हाइड्रेशन होती है, यानी हम वाटर ऐड करते हैं और एसिड, तो यहाँ पे एसिड कौन सा है आपके पास, डायल्यूट यूज करेंगे या H2SO4 यूज करेंगे ये हम देखते हैं। तो ये हमारे पास कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज होता है हमेशा, तकरीबन यही होता है कि जितने भी रिएक्शन होते हैं कंसनट्रेटेड यूज होता है, कुछ ऐसे रिएक्शन है जिसमें आपके पास डायल्यूट यूज होता है। प्राइमरी अल्कोहल अपॉन ऑक्सीडेशन विद एसिडिफाइड डाइक्रोमेट गिव्स, प्राइमरी हमेशा याद रखें एल्डिहाइड देगा, और अगर इसको फर्दर करें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। सेकेंडरी क्या करेगा, सेकेंडरी जो है आपके पास देगा कीटोन, अगर फर्दर ड्रास्टिक कंडीशन प्रोवाइड करें, इजीली नहीं होता, ड्रास्टिक कंडीशन प्रोवाइड करें कार्बोक्सिलिक ग्रुप देगा। अगर टर्शरी की बात करें तो ये आपके पास K2Cr2O7 के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देता, टर्शरी अल्कोहल्स या उसके साथ ऑक्सीडाइज नहीं होता, टर्शरी अल्कोहल्स विद एसिडिफाइड कोई रिएक्शन नहीं,
ठीक है, रिएक्शन देता है, लेकिन ये नहीं है कि आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, तब जाके रिएक्शन मिलता है और फिर अल्कीन्स बनते हैं, यानी इसमें ना तो एल्डिहाइड बनता है ना कीटोन बनता है। देखिए एल्डिहाइड कीटोन एक अपनी फैमिली है उनकी, अल्कीन्स की अपनी फैमिली है, तो यानी ये कह लें कि वो उसकी तरफ बिल्कुल जाता ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट रिएक्ट्स विद अल्कलाइन एक्वस अल्कलाइन आयोडीन आर आई, ठीक है, आर आई के साथ कौन रिएक्ट करेगा? तो अगर हम इसको देखें दैट वुड बी द एथेनॉल, यानी अल्कोहल रिएक्ट करेगा, अल्कोहल रिएक्ट करके आर आई इधर से और आर ओ एच, ठीक है, तो आर ओ आर बन जाएगा, सही है, यानी ईथर बन जाएगा, ठीक है, तो यानी ये हम कह सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो क्या बनता है हमारे पास, एथेनॉल इज ओनली प्राइमरी अल्कोहल टू गिव आयोडो फॉर्म टेस्ट, ठीक है, अल्कलाइन आयोडीन, हाँ अगर आयोडीन की बात है तो बिल्कुल बात ठीक है, तो आयोडो फॉर्म टेस्ट होगा और आयोडो फॉर्म वो देगा, यानी एथेनॉल एक वाहिद ऐसा अल्कोहल है जो आयोडो फॉर्म टेस्ट देता है। व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद एनी मेटल द अल्कोक्साइड एंड थस फॉर्म इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, एसिड है, इलेक्ट्रोफाइल है, फ्री रेडिकल है, सो दैट वुड बी द न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन रिच होगा क्योंकि वो यानी उसके पास एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो क्रिएट हो जाती है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स प्रिपेयर बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल, ऑक्सीडेशन की बात हो रही है, एथेनॉल की प्राइमरी अल्कोहल है और इसकी जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, दिस एक्स रिएक्ट विद एथेनॉल टू प्रोड्यूस एन ईस्टर, अब जो उसने आगे ईस्टर बना दिया, वट इज एक्स लाइकली टू बी, सो एक्स लाइकली टू बी एज अब ये एक एसिड बन जाएगा, ठीक है, तो एसिड क्या हो सकता है, सो दैट वुड बी द यू कैन से दैट एथेनोइक एसिड, अगर यहाँ पे एथेनॉल की बात हो रही है तो डेफिनेटली एथेनोइक एसिड बना होगा, अब बाकी तो बना नहीं सकता, आपको एक्स्ट्रा कार्बन तो ऐड ही नहीं कर रहे तो कहाँ से बनेगा। विच ऑर्गेनिक रिएजेंट मे बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनोल एंड मेथेनॉल, फिनोल एंड मेथेनॉल में आप किस रिएक्शन से डिस्टिंग्विश करेंगे, सो दैट विल बी द के टू सी आर टू ओ सेवन, क्योंकि ये रिएक्शन डिफरेंट देते हैं, यानी फिनोल डिफरेंट देगा, मेथेनॉल डिफरेंट देगा, तो इससे जो आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं कर सकते हैं वेदर इट इज अ फिनोल और मेथेनॉल, ठीक है। सो अगर हम इसकी वो देखें, मेथेनॉल गेट ऑक्सीडाइज बाय एसिडिफाइड बट फिनोल डजेंट, फिनोल रिएक्शन ही नहीं देता, बात ही खत्म होगी, मेथेनॉल अल्कोहल है, अल्कोहल के टू सी आर टू ओ सेवन से ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन मेथेनॉल नहीं होता, दैट इज नोट नोटिंग पॉइंट, मैंने आपको इसलिए पहले कहा कि आप साथ रजिस्टर लेके रखें, के टू सी आर टू ओ सेवन गिव एच टू एस ओ फोर जनरेट ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग क्या बनेगा, ऑटोमिक ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, यानी आप ये कह सकते हैं कि 16C और जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोड्यूस करेगा, स्टरिफिकेशन रिएक्शन भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, स्टरिफिकेशन टेक प्लेस व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद एसिड, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, बहुत ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक की बात है, अब ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, तो ऑर्गेनिक के से ही करेगा, यानी एसिड अगर एक तो एसिड के साथ तो कंफर्म है, लेकिन ऑर्गेनिक के साथ करेगा। ड्यूरिंग प्रेपरेशन ऑफ ईस्टर द ब्रिज ऑक्सीजन इज फॉर्म इथर इथर अल्कोहल और एसिड, तो ये आपके पास क्या होगा, दैट वुड बी अल्कोहल, ठीक है, ये आपने याद रखें, कार्बोक्सिलिक एसिड के भी चैप्टर में ये दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू, तो इसमें जो आपके पास ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, तो इसका आंसर भी बुक में गिवन दिया है, वो गलत दिया हुआ है, तो वो आपने मतलब थोड़ा कर लेना है। अब यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज होंगे, जो है टर्शरी तो देता नहीं है, बिल्कुल टर्शरी नहीं देता, सेकेंडरी जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज, यहाँ पे कुछ बच्चे ऑब्जेक्शन करते हैं कि जो यहाँ पे जो कर लेट मी चेंज इट, यहाँ पे जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह रिड्यूस नहीं होता, होता है, डास्टिक कंडीशन जब आप प्रोवाइड करें दैट विल रिड्यूस टू कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल, ठीक है, तो यानी टर्शरी अल्कोहल आर नॉट ऑक्सीडाइज, टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते, तो हम क्या कह सकते हैं, डी ऑप्शन इज द राइट वन, ऑल आर द करेक्ट, ठीक है। अल्कोहल रिएक्ट विद एनी मेटल टू प्रोड्यूस, अल्कोहल का आर ओ एच एन ए तो अल्कोक्साइड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, बिल्कुल, और एच टू गैस भी प्रोड्यूस करेगा, सो हम क्या कहेंगे, बोथ ए एंड बी, नहीं अब हम यहाँ पे बोथ होना चाहिए था, बोथ ए एंड सी होना चाहिए था, ठीक है, सो हम इसका क्या कह सकते हैं कि ए एंड बी, यहाँ पे ए एंड सी है, ए एंड बी नहीं है, इसको रेक्टिफाई कर लें, ए एंड सी है यहाँ पे, ठीक है। When an alcohol react with PX5, the order or reactivity of alcohol will be, तो depend on the carbocation, sorry, मैं बिल्कुल carbocation पे depend करता है, तो carbonic cation या carbonium ion पे depend करता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो इसका tertiary, secondary, जो order है वो same रहता है, वो change नहीं होता। There are four alcohols, PQRS with 3 to 1 and 0 alpha hydrogen, which will not respond to Na2Cr2O7, H2SO4. तो कौन सा जो है रिस्पॉन्ड नहीं करेगा और क्यों नहीं करेगा, ठीक है, तो एक तो कौन सा नहीं करेगा, जो एस है यानी जिसके पास जीरो हाइड्रोजन है वो नहीं करेगा, जीरो अल्फा हाइड्रोजन है वो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए। दूसरा अगर इसके हम रीजन पढ़े तो रीजन में क्या कहते हैं, जरा वो चेकआउट कर लेते हैं,
वो कहते हैं कि जीरो अल्फा हाइड्रोजन मीन एस इज टर्शियरी अल्कोहल हैज डजंट अंडरगो ऑक्सीडेशन। बात खत्म होगी, आपको पता चल गया ना। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप जो भी यूज कर लें उसे जब ऑक्सीडाइज होना नहीं है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। अल्कनोल ऑक्सीडेशन, अल्कनोल है यहाँ पे, तो करेक्ट प्रोडक्ट्स आर, प्रोडक्ट क्या बनेंगे। अब अल्कनोल है मीन टॉकिंग अबाउट प्राइमरी अल्कोहल्स, तो ए सी एन एच टू एन ओ क्या ग्लूकोज बनेगा, सी एच ओ, ठीक है। तो अब हम इसका क्या करें, इसका जरा हम कोई ट्रिक श्रिक यूज करते हैं। तो इसका जो आपके पास राइट आंसर बनेगा दैट वुड बी ए ऑप्शन। अब देखते हैं ए ऑप्शन क्यों ठीक है। अगर हम बाकी सब में देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ इन्होंने मतलब जो उसका जनरल फार्मूला एक बनाया हुआ है वो नहीं बनाया, क्योंकि एटॉमिक ऑक्सीजन आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दोनों में मतलब वो होगा। अब यहाँ पे ओ टू नहीं, वो भी सही नहीं बनता, ठीक है। तो यानी बाकी जो बी और डी तो नहीं बनते, ए और सी कुछ सिमिलर है, लेकिन इसमें ए जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगर इसकी रीजन पढ़े दैट मतलब रीजन भी देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। वो कहता है कि ए जो है वो अपना सी एन एच टू एन ओ है, जबकि बी एन सी एच टू एन ओ है, ठीक है, ओ टू है, यानी जस्ट एक ओ का फर्क आ गया, बाकी दोनों सेम है। व्हेन एथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम मेटल तो क्या बनेगा, आपके पास कौन सा बॉन्ड टूटता है। अब यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें, अब देखें यहाँ पे कौन सा बॉन्ड टूटा है, ओ एच बॉन्ड टूटा है, ठीक है। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, दैट विल बी ओ एच बॉन्ड विल बी ब्रोकन डाउन, ठीक है। तो मैं जरा इसको कंफर्म, बिल्कुल। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डायोल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करना है आपने, तो बताएं कितने जो है मोल्स ऑफ डायोल्स आप यूज करेंगे, ठीक है। तो टू जो है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन डायोल्स आपके पास तकरीबन, डायोल्स अगर आपके हैं तो एक डायोल आपको रिक्वायर होता है ताकि आप जो है उसे प्रोड्यूस कर सकें टू रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, ठीक है। आप जब इसका रिएक्शन करेंगे तो आपके पास एक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है रस्पबेरी फ्लेवर्ड कंपाउंड इज प्रोड्यूस बाय कंडेंसेशन प्रोसेस, दिस प्रोसेस मे बी, कंडेंसेशन प्रोसेस कौन सा हो सकता है। सो दैट वुड बी स्टेरिफिकेशन, स्टेरिफिकेशन, क्योंकि इसमें आपके पास फ्लेवर्ड सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, जो ईस्टर्स होते हैं वो फ्लेवर्स होते हैं, तो इसलिए फ्लेवर्ड सब्सटेंसेस इसमें प्रोड्यूस होते हैं। द वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज आइसोमर ऑफ अल्कोक्सी अल्केन रिएक्ट विद अल्कोलाइन, अल्कोलाइन एसिड टू प्रोड्यूस द वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये इसमें आपके पास कौन सा होगा, दैट वुड बी अल्कलाइन अल्काइल अल्कलाइट, ठीक है, यानी ये आपके पास प्रोड्यूस करता है। इन स्टेरिफिकेशन रिएक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स ऑफ अल्कोहल अंडरगो क्लीवेज, ईस्टर में आर ओ आर या आर ओ एच, तो ओ एच बॉन्ड में जो है ब्रेक डाउन होता है, सी ऑप्शन वुड बी द राइट वन, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेस अल्कोहल एट लो टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ एच टू एस ओ फोर प्रोड्यूसेस, अल्कोहल हो एच टू एस ओ फोर की प्रेजेंस में हो, एसिड प्रेजेंस में हो, तो ये आपके पास क्या प्रोड्यूस करेगा, एट लो टेम्परेचर मीन अगर 140 डिग्री पे, तो ये आपके पास ईथर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, सॉरी ईस्टर्स प्रोड्यूस करेगा, तो दैट वुड बी द सी ऑप्शन, ठीक है। सॉरी नहीं, सी ऑप्शन नहीं होगा, इट वुड बी द ईथर, ईथर आई मीन ईथर। आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई है, लेट मी चेक इट, इट्स इट वर्किंग और नॉट वर्किंग, सही है। अच्छा अब यहाँ पे मैं बता रहा था, तो ये जो आपके पास बनेगा दैट वुड बी द ईथर, ईथर हम सही कर रहे थे, वो बाय मिस्टेक जो है ईस्टर में चलिए, ठीक है। 30 अगर देखें हम, फिनोल रिएक्ट विद एक्वस प्रोमाइड ब्रोमीन एंड डिक्लोराइज एक्वस ब्रोमीन फॉर्मिंग द वाइट प्रेसिपिटेट, अभी हम पहले करके आए, पहले वाले टेस्ट में था, तो दैट वुड बी द पिक्रिक एसिड, सॉरी पिक्रिक एसिड नहीं, ये आपके पास जस्ट 246 ट्राई ब्रोमोफिनोल, और जो पिक्रिक एसिड होता है वो होता है 246 ट्राई नाइट्रोफिनोल। पिक्रिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द फिनोल बाय, अब देखिए ट्राई नाइट्रो, नाइट्रो है तो दैट मीन नाइट्रेशन का प्रोसेस होगा, बी ऑप्शन वुड बी द राइट वन। नेक्स्ट है कि विच कैन बी यूज टेस्ट फॉर फिनोल, किसको आप यूज कर सकते हैं टेस्ट फिनोल के यूज के लिए। सो आप इसमें जो डी ऑप्शन है यानी ब्रोमीन एक्सेस वाला, ये इसमें आप यूज कर सकते हैं, ये वाला रिएक्शन है, ये आपने इसको की पॉइंट के तौर पे याद रखना है। और ये आई थिंक सो के इसका एक नाम भी है प्रॉपर, लेट मी चेक इट, अगर मुझे कैसे बात, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, बिल्कुल इसको ब्रोमीन वाटर टेस्ट कहते हैं, एज इट गिव इज वाइट वाइट पीपीटी ऑफ 246 ट्राई ब्रोमोफिनोल, जो कि अभी हम ऊपर देखे आए, तो ये जो है आपके पास वाटर ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है। फिनोल ऑन ट्रीटमेंट विद डायल्यूट H2NO3 एंड लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मिक्सर ऑफ ऑर्थो, मिक्सर कैसे हो सकता है, लेट मी चेक इट, एमसीक्यू नंबर 33 एंड ऑर्थो एंड पी दोनों प्रोड्यूस करते हैं 25 सेंटीग्रेड पे, सो वी कैन से दैट मिक्सर, बिल्कुल कुछ हद तक हमारा आंसर पे ये डी ठीक बन जाता है, ठीक है। उसके बाद है फिनोल कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अल्कोहल बाय, तो ये हम किससे कर सकते हैं, दैट वुड बी द आई थिंक सो टॉलरेंस रिएजेंट, क्योंकि जो नहीं टॉलरेंस से भी नहीं होगा,
सो ये आपके पास एच सी एल से डिफ्रेंशिएट होंगे, ठीक है, एच सी एल आप यूज करके डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है द रिएक्शन ऑफ कार्बोलिक एसिड यान मीन्स फिनोल विद कास्टिक सोडा इज टू प्रोड्यूस कलरलेस प्रोडक्ट, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द प्रोडक्ट इज, जो प्रोडक्ट बनता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास क्या होगा। अब ये बात तो कन्फर्म है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग, तो ये क्या बन सकता है, तो हमारे पास ये डी ऑप्शन वुड बी द बेटर वन आई थिंक सो, ठीक है। अच्छा ये जो 34 है दैट इसका आपके पास ब्रोमीन है, नॉट जो ये जरा मैं इसको कन्फर्म कर लिया, तो इसका बस आपके पास ब्रोमीन है, ठीक है। उसके बाद फिनोल एंड इथेनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश बाय ऑल एक्सेप्ट आउट ऑफ फॉर्म टेस्ट, क्योंकि फिनोल नहीं देता, ठीक है। ओके ओए तो कहाँ चला गया, लेट मी टेक इट बैक टू दैट प्लेस, अच्छा हम यहीं पे कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद है द रिएक्शन ऑफ फिनोल इन द इन विच रिंग इज इन्वॉल्व एक्सेप्ट, यानी अब इनमें से कौन सा रिएक्शन है इसमें रिंग इन्वॉल्व होता है, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन है जो रिंग को ब्रेक डाउन कर देता है, रिंग को तोड़ देता है, सो दैट वुड बी द स्टेरिफिकेशन, बिकॉज बाकी जो है वो रिंग को तोड़ते नहीं है, ठीक है, ये रिंग को ब्रेक डाउन कर, विच आर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव एसिडिटी ऑफ वाटर, फिनोल एंड अल्कोहल। सबसे ज्यादा आपके पास अल्कोहल एसिडिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन फिनोल, देन वाटर, देन अल्कोहल, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसका है, फिनोल का, तो दूसरा वाटर, फिर आपके पास अल्कोहल जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास कौन सा ठीक होगा, ज़्यादा बेस्ट वुड बी द, अगर हम यहाँ पे देखें तो 38 में ए जो है वो ज़्यादा सबसे बेस्ट होगा, ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है, फिनोल सबसे ज़्यादा, फिर वाटर, फिर कॉन्जुगेशन बिटवीन अनशेयर पेयर इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन एरोमेटिक रिंग इन फेनोक्साइड आयन रिजल्ट इन शॉर्टर सीओ बॉन्ड, स्टेबल बेस, स्ट्रॉन्गर एसिडिक कैरेक्टर, एंड दैट वुड बी द आई थिंक सो जो है डी ऑप्शन, क्योंकि जो सारी चीज़ें जो उसमें होती है आपने अभी याद रखना, अब ये इनमें से कोई भी एमसीक्यूज बन सकता है। द अल्कोहल मोर एसिडिक इन नेचर, मोर एसिडिक कौन सा अल्कोहल है, जो चेन लेंथ जिसकी कम होगी, हमेशा याद रखें चेन लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर, चेन लेंथ जितनी लेंथी होगी उतना वो जो है डिफरेंट, मतलब वो होगा। डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ फिनोल इज दैट इज 1/10⁻¹, इसको आपने एज अ मेमोरी के तौर पर याद रखें, विच इज द फॉलोइंग इज सेकेंडरी अल्कोहल, सो कौन सा इसमें सेकेंडरी अल्कोहल है वो आपने बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो सेकेंडरी अल्कोहल अगर, सो सेकेंडरी अल्कोहल जो है इसमें कौन सा होगा, हम जरा वो देख लेते हैं। तो आपके पास जो ये है दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि देखिए एक कार्बन ये और ये, यानी जो कार्बन इसके साथ अटैच है, इसके साथ जो डायरेक्टली कार्बन अटैच हो दैट वुड बी द, यू कैन से दैट अल्कोहल। एन अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2, दैट अल्कोहल इज, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है प्राइमरी होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपके पास कौन सा आंसर ठीक होगा, दैट वुड बी द बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपने इस तरह याद रखना है कि सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी चीजें हैं, तो इसको माइंड में रखें। द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज ऑफ आर आर सी एच, दो आर है, आर टू सी एच टू एस, आर टू सी एच टू सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, दो आर है ना, तो आर जो है कार्बोक्स, उसमें कार्बन तो जरूर होगा, ठीक है। सो ये ऑप्शन, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, सी टू एच फाइव ओ एच पी सी एल फाइव, क्या होगा कि इसमें रिप्लेसमेंट होगा, वट प्रोडक्ट मे बी फॉर्म, प्रोडक्ट क्या बनेगा, सी टू एच फाइव सी एल, बिल्कुल ये हो सकता है। तो बी ऑप्शन, ए ऑप्शन नहीं ठीक, इसमें जो आपके पास बिल्कुल ए ऑप्शन जो है वो ज़्यादा बेटर बनता है, बाकी इसमें कोई भी नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये तीन चीज़ें पॉसिबिलिटी, मतलब सारी चीज़ें बनती हैं। नेक्स्ट है आपके पास नाइट्रो, ट्राई नाइट्रोफिनोल, ठीक है, तो इसमें पिक्रिक एसिड इसको कहेंगे, ठीक है। तो ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको आपने इसका नाम याद रखना है। एक्वस फिनोल डिकोलराइज ब्रोमीन टू फॉर्म अ वाइट प्रेसिपिटेट, वाटर ब्रोमीन टेस्ट, ठीक है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म, एक्वस फिनोल, फिनोल है, एक्वस है, ब्रोमीन लगा हुआ है, तो ब्रोमीन तीन होंगे उसमें, ट्राई ब्रोमो, ठीक है। तो ये हम पहले पढ़ के एमसीक्यूज था, तो इसका आपके पास क्या आंसर होगा, दैट वुड बी द ए ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम देखें, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल कैन बी आइडेंटिफाइड डिस्टिंग्विश बाय ये लुकास्ट है, दिस बेस्ट टेस्ट यू कैन सी, और इससे जो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज इंडिकेटिंग इंडिकेटेड व्हेन HCl इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटेड व्हेन HCl इज फॉर्म बाय रिएक्शन HCl रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, यानी P जो है यू कैन से दैट, तो आपके पास जो इसका आंसर बनेगा दैट वुड बी द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज इंडिकेटेड बाय फॉर्मेशन ऑफ येलो क्रिस्टल इन आयोडो फॉर्म, तो येलो क्रिस्टल किसके बनते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, एक तो बनते किसके हैं और क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, सो हम इसका क्या कह सकते हैं कि आपके पास जो एथेनॉल है
वो येलो क्रिस्टल देता है, बाकी भी तो येलो ही देते हैं ठीक है, बिकॉज जो कलर होता है आयोडोफॉर्म का येलो होता है। द फार्मूला 246 ट्राई ब्रोमोफिनोल, ट्राई ब्रोमोफिनोल है ठीक है, तो ये आपके पास होगा सी ऑप्शन। तो हम क्या कह सकते हैं कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। हाउ इज डिस्टिंग्विश बिटवीन मैथानोल एंड एथेनोल बाय आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि आयोडोफॉर्म जो है वो आपके पास मैथानोल तो देता नहीं है, सिर्फ एथेनोल देता है ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट इंडिकेशन ऑफ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, पॉजिटिव तो येलो क्रिस्टल बन जाते हैं ठीक है, 13 डी बिल्कुल। CH3CH टर्शियरी अल्कोहल विच वन द फॉलोइंग प्रॉपर क्लासिफिकेशन अबव फार्मूला, दैट इज टर्शियरी अल्कोहल सिंपली देखा जा सकता है कि तीन कार्बन लग रहे हैं तो टर्शियरी होगा। C2H5SO4H ठीक है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप आया लगा हुआ है तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। चूज द करेक्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन, हाइड्रोक्सिल रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन और हाइड्रेशन रिएक्शन। वाटर यूज हो रहा है तो भाई सीधी सी बात है हाइड्रेशन रिएक्शन होगा ठीक है, 15 का हमारे पास डी बनता है। तो नेक्स्ट है CH3CH2OHPCl5, तो ये फॉर्मेशन ऑफ HCl इज टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ डैश इन अ कंपाउंड, अल्काइल ग्रुप, सैचुरेटेड अल्काइल ग्रुप, एसिड एच पॉजिटिव आयन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सो दैट वुड बी द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। OH ग्रुप को इंडिकेट करता है ठीक है, क्योंकि अल्कोहल्स के लिए स्पेशली हम अल्कोहल्स के लिए इसको यूज करते हैं, सो यू कैन से दैट जो ये इसका राइट ऑप्शन सी है। C2H5OH जब इसका एसिड, तो दैट वुड बी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन और इसमें इथर बनेगा, इथाइल एसिटेट बनेगा, डाइथाइल इथर बनेगा, इथर बनेगा, ये आपने याद रखना है ठीक है। आपके पास बी और डी तो हो सक नहीं सकते, ए और सी में से कोई ना कोई हो सकता है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो मिथाइल प्रोपाइल सॉरी बी जो है इथाइल एसिटेट ठीक है। तो अगर इसका रिएक्शन हम देखें, लेट मी चेक द रिएक्शन फर्स्ट, तो 17 है इथाइल एसिटेट, ईस्टर इज फॉर्म बाय, अच्छा ये भी ईस्टर है ना, एसिटेट ईस्टर है बाय द रिएक्शन ऑफ एथेनॉल एंड एसिटिक एसिड, ठीक हो गया आपके पास बी ऑप्शन ठीक है, यानी वो मैं ईथर के नाम से कंफ्यूज हो गया था। एट 25 सेंटीग्रेड विद फिनोल 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ NaOH विद बेंजीन, नो HNO3H2SO4 विद बेंजीन, या ऑफकोर्स 18 का ए ऑप्शन इज राइट देयर ठीक है। अगर हम H2SO4 विद फिनोल, सॉरी फिनोल होगा, बेंजीन तो नहीं होगा, फिनोल होगा, जब एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया इसका तो फिनोल होगा डेफिनेटली ठीक है, OH ग्रुप लगा हुआ है। नेक्स्ट है द फिनोल वेन ऑक्साइड इज मोर स्टेबल ऑक्साइड देन एथोक्साइड, फेन ऑक्साइड ज्यादा एथोक्साइड से, क्यों, लोन पेयर ऑन एटम या ऑक्सीजन एटम या जो है लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, अगर हम इसमें देखें लोन पेयर ऑन ओ एटम ओवरलैप विद डीलोकलाइज ओ बाई बॉन्डिंग इन बेंजीन, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है, जिसकी वजह से रेजोनेंस बॉन्ड रेजोनेंस बन जाती है। आप सिंपली अगर उसकी बात करें तो बॉन्ड रेजोनेंस की वजह से जो है ये ऑप्शन ज्यादा प्रेफर्ड सही बनता है। नेक्स्ट है द एसिडिटी ऑफ फिनोल इज ड्यू टू नेचर ऑफ बेंजीन, नेचर ऑफ फेनोक्साइड डबल बॉन्ड इन बेंजीन रिंग, सो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ फेनोक्साइड, नेचर ऑफ फेनोक्साइड जो है उसकी वजह से आपके पास इसके डिफरेंट वो होते। अल्कोहल इन विच कार्बन एटम बॉन्डेड OH ग्रुप फर्दर अटैच विद 3 अल्काइल ग्रुप, दैट वुड बी सिंपली टर्शियरी अल्काइल लाइट ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास विच इज द फॉलोइंग कंपाउंड इज नोन एज टर्शियरी अल्कोहल, हम जब स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो हमें आइडिया होगा कि 2-methyl-2-propanol या 2-methyl-2-butanol दोनों जो है टर्शियरी अल्कोहल है। एथेनॉल एथेनॉल एथेनोइक एसिड एंड फिनोल ऑल कंटेन एसिडिक फंक्शनल ग्रुप, द ऑर्डर ऑफ एसिडिक एथेनॉइक फिनोल इज दिस इज मेनली ड्यू टू एथेनॉइक सबसे ज्यादा फिर फिनोल फिर एथेनॉल, तो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से और डिफरेंट स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन लीजिंग डोनेटिंग इफेक्ट की वजह से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फिनोल, सो अगर इसका हम करें सो दैट वुड बी द डी ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ एथेनॉइक एसिड इज ग्रेटर देन ऑफ फिनोल ठीक है। और इसमें जो इसकी ऑक्सीजन और स्टेबिलिटी है वो भी कार्बन यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की ज्यादा है एज कंपेयर टू फिनोल। Distinguish between ethanol and phenol can be sorted by that is local जो iodoform test पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, जो iodoform test जो है वो आपके पास 24 का इन्होंने डी दिया reaction with bromine, no it's not, क्योंकि ethanol जो है वो आपके पास iodoform देता है, तो ये भी reaction गलत, यहाँ पे इन्होंने इसको गलत किया हुआ है, सो ये आप इसको ठीक कर लें अगर बुक में अगर इसमें देखें तो ethanol and phenol can be distinguished by bromine water test because it is used to distinguish aliphatic aromatic hydroxyl group, अच्छा ये भी हो सकता है लेकिन आयोडोफॉर्म ही तो हो सकता है ना, क्योंकि जो फिनोल है वो रिएक्शन आयोडोफॉर्म टेस्ट देता नहीं है लेकिन एथेनॉल देता है, तो हम इसको कर सकते हैं लेकिन जो है वो जब बुक है तो बुक को फॉलो करते हैं तो रिएक्शन ऑफ विद ब्रोमीन भी ठीक रहेगा। उसके बाद हमारे पास है चूज अ प्राइमरी अमंग द फॉलोइंग, प्राइमरी कौन सा है, सो इसमें भी इसको आपने ड्रा करना है, देन यू विल अंडरस्टैंड 2-2-methyl-1-1-propanol दैट इज अ प्राइमरी अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल एट 180 सेंटीग्रेड कंसंट्रेटेड 180 है
तो इथीन बनेगा, ठीक है। अगर ये 140 होता तो ईस्टर बनता, ये आपने याद रखना है। इंडस्ट्रियल वाटर गैस इज कन्वर्टेड इन मैथेनॉल बाय यूजिंग कैटलिस्ट। वाटर गैस यानी कौन सा कैटलिस्ट है इसको आप यूज करके वाटर गैस को कैसे कैटलिस्ट मैथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं। सो अगर इसकी हम बात करें तो हमारे पास डी दैट इज ZNO और Cr2O3 इसको यूज करते हुए हम, ये मैंने भी इसको पहले नहीं वो चेक किया तो ये जो है तो कर सक काम नहीं करा पता नहीं क्यों। फिनोल रिएक्ट विद CH3COCl यानी कि अल्काइल हैलाइड के साथ, सॉरी ये एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड के साथ जब आप फिनोल का रिएक्शन करवाते हैं देन आपके पास क्या बनता है, सिंपली प्रोडक्ट आपने बताना है। सो आपके पास देन ईस्टर्स बन जाते हैं, ठीक है। लेट मी चेक इट, मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है, जिनमें डाउट होता है मैं उसको कंफर्म कर लेता हूँ। फिनोल रिएक्ट विद एसिड लाइट टू गिव ईस्टर ऑन लार्ज ग्रुप ऑफ फिनोल इज इन्वॉल्व, ठीक हो गया, सही है। चूज द रिएक्शन दैट डजंट रिक्वायर जेड एन सी एल एज ए कैटलिस्ट, कौन सा रिएक्शन जो है जेड एन सी एल रिक्वायर नहीं करेगा। सो दैट वुड बी द बोथ बी एंड सी, बी एंड सी जो है वो रिक्वायर नहीं करेंगे। रीजन क्या है, रीजन भी देख लेते हैं। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एच बी एन एच आई डजंट रिक्वायर एज एड एन सी एल कैटलिस्ट ड्यू टू देयर ग्रेटर रिएक्टिविटी देन एच सी एल। HCl से ब्रोमीन और आयोडीन की ज्यादा है इसलिए जो है वो रिक्वायर नहीं करते, ठीक है। टर्शियरी अल्कोहल आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन कंपाउंड बिकॉज दे कंटेन मोर अल्काइल ग्रुप, नो हो सकता है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो दे हैव नो अल्फा हाइड्रोजन, हाँ ये बात सही है, अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं उनके पास, अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है इसके लिए ऑक्सीडेशन के लिए। ये एमसीक्यू देख पहले भी था, कीटोन कैन बी मेड ऑक्सीडेशन बाय प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी, तो सेकेंडरी अल्कोहल की आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपके पास कीटोन्स बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द रिएजेंट एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइसेस, तो रिएजेंट एक्स क्या होगा, अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, और कन्वर्ट हो रहा है, तो ये नहीं, ये अगर आप देखें तो आपके पास जो है इसमें एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 आप यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आई पिक नेम ऑफ C6H5O CH3CH2, अगर इसका हम स्ट्रक्चर ड्रा करें देन हम क्या कहेंगे कि इसका जो नाम है 2426 डायमिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बन, उसमें जो रिंग है वो टूट गया था। फिनोल इज नोन एज कार्बोलिक एसिड जिसका कॉमन नेम है, आपने इसको याद रखना है, ठीक है, अच्छे से। 34C लास्ट एमसीक्यूज है, फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, डीलोकलाइजेशन नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इन द रिंग। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ, अगर आप इसमें गए ऑफ नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज है वो घूमता रहता है, कभी किसी बॉन्ड पे चला कभी इस लोकेलिटी डी लोकलाइजेशन की वजह से जो है फिनोल इज हाईली रिएक्टिव, या आप ये कह सकते हैं हाईली स्टेबल, ठीक है, एसिडिक भी है। तो ये जो आपके पास की के बाद जो है डिस्कशन जो एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं वो जरा मैं आपको दिखा दूँ। हमने जितने भी एमसीक्यूज किए सारे के सारे एक्सप्लेनेटरी नोट्स आपके पास यहाँ पे हैं, आप वीडियो को रोकें, स्टॉप करें, स्क्रीनशॉट लेते जाएं, ठीक है। इसके साथ साथ इसका पीडीएफ आपको जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड करें, इंजॉय करें, तैयारी करें, अच्छी से तैयारी करें। ये आप देखें तो आयोडो फॉर्म जो है टेस्ट वो फिनोल नहीं देता, एथेनॉल देता है, तो हम इसे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो है वो फिनोल देता है, एथेनॉल नहीं देता। एन ए मेटल दोनों देते हैं, लुकास टेस्ट फिनोल नहीं देता, एथेनॉल देता है, और ये डिफ्रेंशिएट करता है, ठीक है। तो बाकी ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी, इसके जो पास पेपर्स हैं उसके एक्सप्लेनेटरी नोट्स, ये जो पहली वाली वैल्यू है ये आपको 1/3 जो है ये याद करनी पड़ेगी, बिकॉज दैट इज अ काइंड ऑफ यू कैन से दैट निमोनिक्स। और पिक्रिक एसिड का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, दैट इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताता चाहूँ साथ में उसको अच्छे से तैयार कर लिया करें। ये आप देख सकते हैं जो इसका जो मूविंग एबिलिटी है ना फेनोक्साइड आयन की, इस वजह से ये हाईली स्टेबल है, या आप ये कह सकते हैं हाईली एसिडिक है, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर एंड हुआ और उम्मीद करता हूँ आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रहा होगा, हेल्प हो रही होगी। देखिए इतना टाइम लगता है, अब ये 28 मिनट की वीडियो आपके लिए देखना मुश्किल है, तो सोचिए जो बना के लगाता है इतनी चीज़ें होती हैं उसके लिए कितना मुश्किल है। तो मुश्किल का कोई मसला नहीं है, मैं उसको ओवरकम कर लूँगा, लेकिन जस्ट ये है कि मुझे फीडबैक मिलना चाहिए और आप अच्छी से तैयारी करें, दैट्स माय एम, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।